भारत पेंशनर समाज रीवा द्वारा 17 दिसंबर शनिवार को पेंशनर्स दिवस मनाएगा। कार्यक्रम का आयोजन मानस भवन में किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम होंगे। पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पदाधिकारियों ने बताया कि इस अवसर पर 80, 90, 100 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले वरिष्ठ सदस्य पेंशनर को सम्मानित किया जाएगा तथा स्मारिका विमोचन कार्यक्रम भी संपन्न होगा। आयोजकों ने समस्त सदस्य पेंशनर से अपील की है कि कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। आइए सुनाते हैं आयोजित कार्यक्रम के संबंध में क्या जानकारी दी गई है। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? भारत पेंशन समाज केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं इसके उपक्रमों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों का एक संगठन है, जो पेंशनर्स की समस्याओं, पेंशनर्स की कल्याण और पेंशनर के सुख दुख, पेंशनर के आमोद प्रमोद के लिए ये संगठन काम करता रहता है। जी, ये 49 वर्षों से सन 1973 में हमारा भारत पेंशन समाज का गठन किया गया। इसके प्रथम हमारे अध्यक्ष थे कन्हैया लाल पंचोली साहब IAS, और इस प्रकार के उनके इस अथक प्रयासों से ये 49 वर्षों से हमारा केंद्र राज्य सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।